मैडम बोलेंगे लाइन घूमने गया इसलिए ठंडा नहीं हुआ। दुकान कैसे चलेगा ये? भाई देसी जुगाड़, समझ रहे हैं? तो भाई साहब ऐसे यहाँ मार्केट में लोग आते हैं और इतनी उम्र क्यों गई लेकिन ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यार ऐसी चीजें हर जगह देखने को मिलेगी। जो ना फसल उसको भी हम पर प्यार करते हैं। ओ, ये तो पत्थर से मारता है ना, उसको फूल से मारता है। भाई देखो किस तरीके से यहाँ आ रहे हैं। रॉकी का फैन है। कैसे ये देखो, ये देखो टूटेगा नहीं यार। मतलब गली गली जाकर इस तरीके से यहाँ पे सब्जी वगैरह बेची जाती है। देखो पूरी जो बाजार मैंने घूमा, मतलब ज्यादातर मुझे ना शॉप पे लेडीज ज्यादा मुझे दिखी हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो अभी मैं मौजूद हूँ भाई नेपाल में, और भाई साहब ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्यू है। तो आज हम नेपाल में घूमने वाले हैं और यहाँ के जो लोकल मार्केट्स वगैरह है, बाकी आप ये टेम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के करीब 11 बज रहे हैं और आज मेरा नेपाल में दूसरा दिन है। तो काफ़ी यार मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि जो शायद मैंने लाइफ में नहीं देखा। ऐसे ऐसे प्राकृतिक चीज़ जो नेपाल को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका कल्चर, मतलब 100 साल 200 साल पुराने चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वो सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। चलो, ये जो मार्केट है ना, इसका नाम है आसान मार्केट। तो अभी हम पूरा यहाँ पे घूमने वाले हैं और मार्केट को देखने वाले यार कि यहाँ के जो मार्केट वगैरह होती है वो कैसी होती है और क्या प्राइस वगैरह है। तो देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है। तो गाइस ये जो मार्केट है इसका नाम है आसान मार्केट, और काफ़ी यार लंबी मार्केट यार, बहुत बड़ी, मुझे लगता है नेपाल की सबसे बड़ी मार्केट है। और भाई आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगा नेपाल के रिलेटेड, जो कपड़े होते हैं, सोना चांदी, ये देखें, देखो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बूढ़ी आंटी हैं जो कि यहाँ पे देखो कुछ बेच रही हैं, नींबू वगैरह। तो यार ये उम्र और पैसा ऐसी चीज़ होती है ना, क्या ही करवा ले भाई। देखो कितनी उम्र की हो गई लेकिन ये काम कर रही है यहाँ पे। तो आपको यार ऐसी चीज़ें हर जगह देखने को मिलेगी। चलो अभी फटाफट यहाँ सीधा चल रहे हैं हम, ये पूरी लंबी सी मार्केट है। देखो भाई देसी जुगाड़, समझ रहे हैं, एकदम से आपको यहाँ पे जुगाड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार बच्चे को कौन इतनी देर टांग के रखेगा, तो पीछे बांध दो ये देखो। तो अभी हम घूम रहे हैं नेपाल की मार्केटों में, और आपको इधर जाओगे तो इधर भी मार्केट मिलेगी। इस साइड देखो जूती चप्पल वगैरह, सॉल वगैरह और भी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुछ, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये देखो ये ऊपर इतने बड़े बड़े क्या हैं यार, ये समझ रहे हैं, ये लाइन से यहाँ पे दुकानें हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जैसे अपने उधर नहीं होते, जैसे खाने वगैरह शादी वगैरह में होता है, तो उस टाइप का है भाई ये। ये देखें, और पूरे शॉप पे आपको इस तरीके से यूनिक यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। देखो देखें, ये देखो इधर भी देखो, जैसे राजा महाराजा नहीं होते थे, उस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वाओ, तो दिस इज़ ब्यूटी ऑफ नेपाल, ये देखें। तो यार ये तो काफ़ी लंबी मार्केट है, अभी तो मतलब ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको ऐसे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलने वाली। तो भाई साहब ये चीज़ बनती कहाँ पे? ये चीज़, हाँ, ये नेपाल में ही बनती है। हाँ। तो ये इसका क्या प्राइस है? इसका तो पड़ेगा 5,000 नेपाली रुपीस। हाँ, और ये किस चीज़ का होता है भाई? ये नहीं रखी, ये कम। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई ये जो है 5,000 नेपाली रुपीस का है, और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये, हाँ, ये पीतल और कांसा मिक्स। पीतल और कांसा मिक्स, हाँ, तो भाई ये पीतल और कांसे से मिलकर बना, ये देखें, और 5,000 नेपाली रुपीस। ये कांस का, कांसा, कांसा जिसको बोलते हैं। सब यहाँ पे भाई लोग मिले यार, कभी इंडिया गए नहीं? गए क्यों नहीं गए भाई? तो मतलब इंडिया के लोगों से प्यार करते हो नहीं करते? प्यार तो हम सब दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा जो हमसे प्यार करता है ना, उसको हम प्यार देते हैं। ये क्या बात, अच्छा कभी जो ना फसल उसको भी हम पर प्यार करते हैं। ओह, ये जो हमको पत्थर से मारता है ना, हम उसको फूल से मारता है। सही में, क्या बात है। इसीलिए मैं एक चीज, 6,000 बॉलीवुड मूवी देखा कभी? बॉलीवुड भी करते हैं आप? ये लीजिए फिर मैं बोल रहा हूं, बॉलीवुड मूवीज देखा कभी? बॉलीवुड, हाँ, शाहरुख खान, शाहरुख सलमान आमिर खान का तो बात अलग है, ये थोड़ा सा ये शाहरुख सलमान इसका बात मत करो, इसका बात करो,
केजीएफ रॉकी स्टार। ओहो यस, उसका बात कर रहे हैं। रॉकी का फैन है भाई, अगला साउथ साउथ की मूवी देखता है। आप भी मतलब इंडिया नहीं गए कभी? अच्छा, ये जो चीजें हैं ये कहाँ बनती हैं? अच्छा, तो अच्छा जैसे ये चीज है, इसका क्या प्राइस होगा? इसका 1050 नेपाली रुपीस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई साहब देखो यार यहाँ पे कितने सारे चीजें हैं जो कि 1050 में बनकर आती हैं। ठीक है, तो भाई से मेरा काफी अच्छा लगा। और अपना जो भाई है ना, ये केजीएफ का फैन है, समझ रहे हो, रॉकी भाई का। अगर अगर रॉकी कब आने वाला है, इसके लिए बहुत इंतजार। आप किसके फैन है भाई? मैं हां, मैं तो गोविंदा और क्या बोलते हैं वो चिकना हीरो कौन था? शाहरुख, सलमान, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार। शाहिद कपूर, शाहिद कपूर। तो भाई अपना शाहिद कपूर का, अच्छा कोई एक गाना शाहिद कपूर का? वो गाना तो इनका तो मुझे बड़ी नहीं सुनते ना, नहीं सुनते थे। तो उसका जो थ्री इडियट्स है ना? हां, नहीं नहीं, थ्री इडियट्स तो आमिर खान है। आमिर खान है थ्री इडियट्स। आमिर खान, आमिर खान भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आमिर खान। तो चलो यार, काफी अच्छा लगा भाई लोग। तो किसका? हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या का फैन। अच्छा, कभी उनसे ना ना ना, मतलब हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो जीरो से हीरो बना, हीरो बना, और काफी लोग ट्रोल किया। हाँ, ट्रोल किया सप्री का। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हार्दिक पांड्या उसका मेंटालिटी हेल्थ लिए ना, गर्लफ्रेंड ने उसको ब्रेकअप धोखा दे दिया, उसके जैसा बनने के लिए ना हर कोई नहीं सकता, नहीं कर सकता। सुनो, आईपीएल में लेकिन जब कोर्ट पर चला ना, मत आग लगा दिया, आग लगा दिया, आप दुनिया का आग लगा दिया। ठीक है, मैंने भी ऐसा होता है ना, क्योंकि ये राजनीति राजनीतिक तौर से एक इंडिया नेपाल का। तो चलो यार फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी तो कोई इनकी शॉप वगैरह है। ओके भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू ब्रो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। सर आने का नई लाइफ में भाई। ओके बॉस, फिर से मिलेंगे। हाँ फिर से, नाइस टू मीट यू। ओके बॉस, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा मिलकर। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, बटन मत पटको यार। एक बार दिखाओ पटक के। तो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ ये सामान है कैसे। देखो ये देखो, टूटेगा नहीं। हाँ, ओरिजिनल सामान है भाई ये। देखो ऐसे भाई बुलाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, होलसेल होलसेल होलसेल। तो भाई साहब ऐसे यहाँ मार्केट में लोग आते हैं और ऐसे होलसेल यार, काफ़ी अच्छा लगा भाई लोग। और ये भाई लोग जो है इंडिया के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, जैसे शाहिद कपूर, गोविंदा, केजीएफ, समझ रहे हैं, इन सब की ये फ़ैन है। कैसा लगा मिलकर इनसे? काफ़ी अच्छा। काफ़ी अच्छा लगा। अरे उनको अच्छा लगा भाई। चलो अभी आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें हम आपको अलग चीज़ दिखा पाएंगे। ये देखें, तो देखो यार अभी मैं उधर से आ रहा हूँ, ठीक है, और इधर भी आप गली में जाओगे तो ये पूरी देखो कितनी बड़ी मार्केट है। तो यार मार्केट जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इसलिए कभी भी आप नेपाल आओ ना तो ये आसान मार्केट है, एक बार ज़रूर विजिट करना। सच में बता रहा हूँ, आप इतनी शॉपिंग करने वाले हैं यहाँ ना कि आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप शॉपिंग करना बंद नहीं करेंगे। देखो क्राउड, देखो भाई कितना भर भर क्राउड आ रहा है, और यहाँ पर हर एक चीज़ मिल रही है आप, कपड़े, क्लोथ, घर में सजाने के लिए डेकोरेशन वगैरह, यहाँ पर चीज़ भाई भर भर के चीज़ें हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है तभी यार यहाँ से जो फॉरनर्स वगैरह होते हैं ना, इतना ज़्यादा यहाँ नेपाल में आते हैं थमेल वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको, इनको ऐसी चीज़ें मिलती हैं और सस्ता भी पड़ जाता है भाई फॉरनर्स को, इंडिया वालों को भी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि यार इंडिया का 10,000 यहाँ का 16,000 पड़ता है, तो सस्ता है भाई। ये देखो, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अंकल ऐसा ये बनाकर यहाँ नींबू हो गया, लहसुन वगैरह बेच रहे हैं। देखो मतलब गली गली जाकर इस तरीके से यहाँ पे सब्जी वगैरह बेची जाती है। देखो देखो देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ भीड़ पड़ती जा रही है, और फॉरनर्स भाई देखो किस तरीके से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के कल्चर के साथ घुल मिल गए एकदम, समझ रहे हैं यार। ये बड़ा यूनिक चीज़ दिखाई दिया मेरे को, देखो मैंने तो पहले सोचा ये वीग वगैरह है क्या, ये देखो एकदम से यूनिक चीज़ दिखा। तो भाई जिसके बाल झड़ गए हों तो बताओ यार, लेते आऊँ मैं यहाँ से, उसको लगाने का काम आएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ रहे। तो अभी एक हिस्सा हमने पार कर लिया, पीछे का जो एक था एक हिस्सा वो हमने पूरा कवर किया, पूरा देखो मार्केट था। बाकी अभी हम एक नए हिस्से में आए, यहाँ पे देखो कुछ लोग बैठे हैं, शायद पंडित जी वगैरह, जो कि देखो मन्नत का धागा वगैरह बांध रहे हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से धागा वगैरह आरती वगैरह हो रही है, ये देखें ये एक प्राचीन मंदिर है। ओ भाई क्या नेपाल है भाई,
इतना ज्यादा रश देखने को मिला ना। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है, मतलब ये पूरी जो बाज़ार मैंने घूमा, मतलब ज़्यादातर मुझे ना शॉप पे लेडीज़ ज़्यादा मुझे दिखी हैं बॉयज़ की तुलना में। मतलब हर एक शॉप पे आपको 2-3-4 लेडीज़ ज़रूर मिलेंगी, मतलब बॉयज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ गर्ल्स और लेडीज़ ज़्यादा दिखने को मिली। इधर भी देखो ज़्यादातर आपको सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ दिखेंगे। और ये जो पूरी मार्केट है ये शूज़ वाली है, समझ रहे हैं? तो चलो अभी आगे सीधा यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं हम कहाँ पर जाते हैं। तो इधर भी देखो लेडीज़। तो फिलहाल अभी मार्केट से निकलकर बाहर आ चुके हैं, और ये देखो ये ओवर ब्रिज बना है, तो आप इस ओवर ब्रिज से किसी तरह बाहर निकल सकते हैं। और ये देखो ओवर ब्रिज के नीचे भी यहाँ पर छोटी सी मार्केट लगी हुई है, कुछ शॉप वगैरह हैं जो कि यहाँ पर टी शर्ट वगैरह और भी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो अभी भाई घूम घूम थोड़ा थक गए और भूख भी लगी थी, क्योंकि यार सुबह हमने कुछ खाया नहीं था। तो अभी हम यहाँ का चेक करने वाले हैं डोसा, क्योंकि यार डोसा अपने इंडिया में तो काफ़ी टेस्टी बनता है, तो अभी नेपाल का डोसा ट्राई करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे 2 प्लेन डोसा ऑर्डर दिया है, तो देखते हैं कितने देर में आएगा, उसके बाद ट्राई करते हैं नेपाल का डोसा। ठीक है, बस 2-3 मिनट में मसाला बन के आ जाएगा। 2-3 मिनट में तो फाइनली यार अपना जो है मसाला डोसा आ चुका है। गलती ये हो गई, हमने प्लेन वाला बोला, तो मुझे मतलब थोड़ा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया अपने, तो भारी मिस्टेक हो गया। इसको भी नहीं मालूम था, तो अभी मैंने बोल दिया भाई से यार कि जो उसका जो मसाला ना वो अलग से ला कर दे दो, बिना मसाला के मसाला डोसा खाने का मज़ा ही नहीं है। बाकी चलो ट्राई करते हैं, अब तो वेट करते हैं पहले मसाला ले, फिर देन उसके बाद खाएंगे। ठीक है, चलो अभी ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे मैं एक बार ले चुका हूँ, टेस्टी तो है काफ़ी, पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था मसाले के लिए। ठीक है, बाकी मसाला अगर अंदर से लगा होता ना तब और ज़्यादा मज़ा आती। फाइनली गाइस यार अभी रसमलाई वगैरह और मसाला डोसा खा लिया है, और थोड़ा भारी मिस्टेक हो गया वहाँ पे। मतलब जो वेटर था उसने बोला कि भाई 80 रुपये के 4 पीस, उसने बोला ऐसा कि 80 रुपये के 4 पीस, तो हमने कहा भाई 4 पीस ऑर्डर कर दो। देन उसके बाद जब खा पी लिए, उसके बाद जब बिल के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि भाई 720 रुपये। मतलब यार 80 रुपये का 1 पीस था, और जो उस वेटर ने उसने थोड़ा यार गलत बोल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा कभी कभी गलती हो जाती है, तो हमने कहा चलो भाई कोई दिक्कत ना, पेमेंट किया हमने। तो चलो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी मसाला डोसा और क्या कहते हैं रसमलाई वगैरह भी बढ़िया था। तो चलो अभी यहाँ से हमारा रूम जो है कुछ ही दूर पर है, और इधर देखो यहाँ पे फल फ्रूट गन्ने का रस नारियल पानी ये सारा कुछ मिलेगा। नेपाल में क्या है, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता, और रोड वगैरह भी क्लीन है, और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। लेकिन जितनी भी है ना भाई, इतना ज़्यादा चहल पहल, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अपना दिल्ली वगैरह में जाओ, मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि भाई निकलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ना ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखी यहाँ पे, मतलब रोडों पे भी देखो आप साफ़ सफाई है, क्योंकि अभी नेपाल के इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो इधर देखो शायद ये कुछ एम्बेसी वगैरह है इधर। नेपाल में क्या ना, गवर्नमेंटेड बस नहीं चलती, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट बस मिलेंगी, चाहे वो आप इंडिया से आते हो या लोकल में चलते हो, तो लोकल बसेस चलती हैं अगर आप सफ़र करना चाहते हो तो। बाकी इस तरीके से ये ओला भी चलती हैं, ये सब क्या है, ये ओला में है, आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। बाइक वगैरह भी होती है, और ज़्यादातर लोग रिक्शे से भी चलते हैं। बाकी इधर चलते हैं, बाकी इधर से आप अंदर जाएंगे जहाँ से हम आए थे ना, थमेल मार्केट, ये उस वाला एरिया है खड़ी ना, तो आप लोकल में इनसे सफ़र कर सकते हैं। लोकल में यही सब गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, तो ये जो बस जा रही ना वैन टाइप की, ये चलती है यहाँ पे। नेपाल डेवलप तो बहुत ज़्यादा है, समझा, डेवलप बहुत है, एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है। और यहाँ पे क्या है, डेवलप होने का रीज़न क्या पता है, पूरा जो नेपाल है पूरा जो है टूरिज्म पर डिपेंड है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आता है इंडिया और अदर कंट्री से लोग घूमने आते हैं, स्पेशली यहाँ का काठमांडू, थमेल मार्केट, उसके बाद पोखरा। पोखरा में भाई भाई बहुत खूबसूरत है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं गया था लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं घूम पाया था। तो फिर कभी जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे तो लगेगा हाँ रियली में नेपाल बहुत खूबसूरत है भाई। तो यार काफ़ी दूर आ चुके थे, और यार थक गए चलते चलते, गला सूख रहा बराबर। तो अभी दुकान में यार कोई है ही नहीं, ये है भाई, दुकान छोड़ के चले गए। एक वो दे दो स्प्राइट, कितने का है? 120। बड़ा वाला छोटा वाला? और कुछ छोटा नहीं है? छोटा उससे छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। अब लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर। तो ये मैडम बोले लाइन घूमने गया, इसे ठंडा नहीं हुआ दुकान कैसे चलेगा ये मैम बोले, मैंने कहा ठंडा नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हाँ लाइट जो है घूमने चला गया ओके थैंक यू। तो फाइनली यार ये जो मुझे फ्रूटी पड़ी ना, ये 30 रुपए की पड़ी, 30 रुपए नेपाली रुपीज की,
तो हमने कहा चलो पीते हैं, लेकिन यहाँ ठंडा नहीं है। और मैडम ने कहा यार ये जो लाइट है वो घूमने गई है, तो चलो अभी यहाँ से ना जो पहाड़ वगैरह एरिया एकदम नजदीक है, सो आपको यहाँ से मैं दिखाऊँ। तो अभी मैं यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ आपको। अगर आप सामने जाओगे ना, देखो ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ यहाँ से आपको देखने में लगता है कि हाँ बहुत ही नज़दीक है, लेकिन ये बहुत दूर है, वाकई में बहुत दूर है। मतलब यहाँ से जाने में, मैंने पूछा अभी उस मैडम से, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जाने में ना आप कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो आप समझो, मतलब देखने में लगता है कि हाँ यार पास में, लेकिन एक्चुअल में जब आप जाओगे ना आगे तो यार बहुत दूर लगेगा। अभी मैं आपको एक व्यू चेक कराने वाला हूँ, लिटरली में इतना अच्छा व्यू है कि देख कर आपको लगेगा ये देखे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर व्यू है, जो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ से आप ढलान से आप आएंगे ना, तो ये आपको एक एकदम यूनिक लगेगा, देख रहे हैं। तो मतलब यार काफ़ी अच्छा सा लगा ये व्यू, ये देखें, मतलब यहाँ से आप जाओगे ना तो आपको एक अलग सी मतलब लोकेशन टाइप की दिखेगी। आगे चलते हैं अभी। वाह मज़ा आ गया भाई। देखो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आप पहाड़ों के लिए यहाँ सीधा जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ पहाड़ अभी पास में, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, ये देखो। तो फाइनली गाइस, बस आज के इस प्यार से वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी काफ़ी अच्छा लगा आज का ये दिन, वैसे आज मेरा दूसरा दिन था और पूरा मार्केट वगैरह घूमा यार, इतनी बड़ी मार्केट, लिटरली यार बहुत बड़ी मार्केट थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार इतनी बड़ी मार्केट होगी। क्या नाम था इसका मार्केट का? आसान मार्केट के नाम से। कभी यार नेपाल काठमांडू आते हो तो थमेल विजिट करना, थमेल के आगे जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपको ये मार्केट मिलने वाली है। और दरबार स्क्वायर भी विजिट करो, काफ़ी अच्छा है उधर का भी व्यू है। आप मतलब नेपाल यार क्या है ना, घूमने की यार बहुत जगह है यहाँ पे, और जगह जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको यहाँ पे टेंपल वगैरह मिलेंगे, बस थोड़ा मालूम होनी चाहिए। तो बस इस गाड़ी से पीछे से व्यू को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा चलो सब्सक्राइब करना, और नेपाल से कौन कौन देख रहा है फ्लाइट से जरूर कमेंट जरूर करना, ठीक है? ओके लव यू।